तो अभी तक आप लोग यहाँ पे अपने जो हाइड चैट्स के यहाँ पे लॉक खोलने के लिए फेस या फिंगरप्रिंट का यूज़ किया करते थे, लेकिन आज के समय में बताऊँगा कैसे आप एक सीक्रेट कोड के द्वारा अपना जो हाइड चैट्स है उनका लॉक खोल सकते हो बिना फेस और फिंगरप्रिंट के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जितने भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये सब करने के लिए आपका जो व्हाट्सएप का अपडेट होना जरूरी है, तो जितने भी लोग व्हाट्सएप को यहाँ पे अपडेट नहीं किए तो वो जाके प्ले स्टोर से अपडेट जरूर से कर लेना। तो चलिए बता दो ये सब आप कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या, व्हाट्सएप अपडेट करने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, आपको यहाँ पे जो भी चैट्स होंगे उन पे लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करते हैं, यहाँ पे जो भी आइकॉन आते हैं जो लास्ट में तीन लाइंस दिखते हैं इसको पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लॉक चैट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे जो लॉक वाला ऑप्शन है क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन जरूर आएगा जो पहली बार कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे आपको सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद फिंगरप्रिंट या फिर फेस अनलॉक ऐड कर लेना है। पहले बार के लिए फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक ऐड करना जरूरी है। जैसे ही आप कर लोगे आपका जो लॉक चैट है, कुछ जैसे स्वाइप करोगे आपका जो चैट है लॉक हो जाएगा, उसके बाद लॉक चैट पे क्लिक करना है, फिर फिंगरप्रिंट या फिर फेस अनलॉक से अनलॉक कर लेना है। तो आप जैसे ये सब कर लोगे यहाँ पे एक और बार थ्री डॉट्स मिलेगा, अगर ये थ्री डॉट्स आपके फोन में शो नहीं करता तो आप अपने व्हाट्सएप को यहाँ पे अपडेट कर लेना है, फिर बेटा अपडेट कर लेना। अब वो भी नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता दूंगा क्या करना होगा आपको। तो आपको ये जो अपडेट है वो करना होगा, तभी जाके ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये जो थ्री डॉट्स है अगर ये आपको शो कर देगा तो सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, चैट लॉक सेटिंग पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे चैट लॉक सेटिंग में क्लिक करते हो दो ऑप्शन आएंगे, दोनों ऑप्शन का यूज बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे हाइड लॉक चैट्स का एक ऑप्शन है, यानी कि अगर आप हाइड करते थे कोई भी चैट्स को तो जैसे स्वाइप करते थे आपका जो चैट्स है वो शो करता था, लेकिन इस ऑप्शन के आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक कोड डालने के लिए बोलेगा, तो सिंपली आपको एक कोड क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक कोड क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कोड क्रिएट कर लिया, और ये जो कोड है इसको आपको दो बार यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी कि कंफर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लो कोड जो है ना, आप वर्ड भी लिख सकते हो, इमोजी भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको दो बार कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो बार लिख के मैं कंफर्म कर देता हूँ, और डन पे क्लिक करते हैं आपका ये जो ऑप्शन है वो एनेबल हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन का ना एक और मैटर है, वो मैं थोड़ी देर में आपको अभी बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो चलिए पहले वाले मैटर से बता देता हूँ होता क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लॉक चैट है स्वाइप करने से यहाँ पे नहीं आ रहा, यानी कोई भी बंदा आपके फोन में यहाँ पे स्वाइप करेगा तो लॉक चैट यहाँ पे शो नहीं करेगा, जिससे कि वो ओपन नहीं कर पाएगा लॉक चैट को। तो यहाँ पे सिंपली करना क्या होगा, लॉक चैट को एक्सेस करने के लिए सर्च बार पे क्लिक करना है, उसके बाद जो भी कॉन्टैक्ट है नाम है उसका वो सर्च करना है। वो जैसे आप सर्च कर लोगे यहाँ पे आपको जो कॉन्टैक्ट है वो आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपने चैट के ऊपर क्लिक कर दोगे आपको सिंपली ऐसा आ जाएगा, यानी कि फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक का ऑप्शन आ जाएगा। उसके नीचे आप देख सकते हो यूज सीक्रेट कोड का ऑप्शन है, जैसे आप अपना सीक्रेट कोड डाल दोगे आपका जो लॉक है वो आपका खुल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो सीक्रेट कोड था उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा मेरा जो लॉक है वो खुल जाएगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते मेरा जो लॉक है वो यहाँ पे खुल चुका है। तो ऐसे करके आप अपने चैट को ना यहाँ पे लॉक चैट को यहाँ पे हाइड कर सकते हो, और साथ में अपना जो पासवर्ड है वो भी बना सकते हो, यानी कि बिना फिंगरप्रिंट का भी यहाँ पे खोल सकते हो। अगर ये लॉक आप हटाना चाहते हो सिंपली आपने जिस भी बंदे का यहाँ पे फोन नंबर पे लॉक किया है उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपका डालना है। फिंगरप्रिंट डालने के बाद आपका जो बंदे का जो प्रोफाइल है वो खुल जाएगा, उसके नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद चैट लॉक का ऑप्शन है, इसको यहाँ पे डिसेबल कर देना है, और यहाँ से आप पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट डाल के इसको डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डिसेबल कर दिया, और यहाँ पे देख सकते हो जो लॉक है वो यहाँ पे खुल चुका है। तो अभी मैं जो दूसरा स्टेप बताने वाला उसके अंदर मैं बताऊंगा बिना हाइड किए इसको कैसे आप पासवर्ड लगा सकते हो लॉक में। तो सिंपली जो स्टेप मैंने बताया था वो सब आपको फॉलो करके आपका जो चैट है उसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद यहाँ पे सिंपली जो स्वाइप करके लॉक चैट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे स्कैन कर लेना आपका फिंगरप्रिंट से, उसके बाद फिर से थ्री डॉट्स पे क्लिक करके चैट लॉक सेटिंग पे क्लिक करना है। इस बार आपको हाइड लॉक चैट पे यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको जो नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है सीक्रेट कोड पे उस पर क्लिक करके यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहते हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लिया और कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद सिंपली आप आपका जो चैट है वो तो वहीं पे रहेगा, लेकिन अब आप पासवर्ड से भी अनलॉक कर पाओगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही देख सकते हो ये जो लॉक चैट है वो हमको दिख रहा है, और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे एक बार बंद करके चालू करता हूँ। तो व्हाट्सअप फिर से मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, फिर से यहाँ पे स्वाइप करते लॉक चैट का ऑप्शन आ गया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज सीक्रेट कोड पर क्लिक करके आप जो ये जो कोड है वो डाल के इसको अनलॉक कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट यहाँ पे कुछ भी आपने नहीं डाला तो ये जो कोड है ना भाई काफ़ी काम का आएगा आपके फ़ोन के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।